वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। इवन आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग जा रहे हैं मॉल मामा को पिक करने, एंड इवन जो मॉल में मामा काम करती है वहीं पर हम मामा को पिक करने जा रहे हैं। इवन यू गोना बाय सम ग्रोसरी। मेरी साथ चल रही है क्योंकि मैं अभी डांस कर रही थी और मेरी दीदी को सता रही थी, तो इसीलिए तो चले अभी हम रेडी होने जा रहे हैं। एंड या इवन वी हैड अवर ब्रेकफास्ट। यप, तो चले लेट गेट रेडी एंड लीव फॉर द मॉल, एंड देन मामा को साथ में लेकर आएंगे यहाँ पार कट बिकॉज इट्स रेनिंग वेरी हैवीली राइट नाउ। बट ठीक है, हमने ऑलरेडी ऑटो बुक कर दिया है, इट माइट बी ऑन इट्स वे। सो क्या हमारे दोनों प्यारे से कैट्स अंदर सो रहे हैं, उनको उठाना पड़ेगा। ऑफकोर्स हम उनको अंदर नहीं छोड़ सकते। तो देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है, ये देखिए। खैर बारिश तो होती रहती है, अभी हम जाएंगे। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been दिनों के बाद आए हैं, तो सारा यू नो सब कुछ चेंज हो गया है। लाइक पहले जो बाद में स्टोर्स थे स्टेशनरी हॉल के, वो यहाँ पहले आ गए हैं। एंड या इट हैज चेंज अ लॉट। लेट्स सी, स्टार्टेड विद आवर सैनिटरी थिंग्स हियर। हाँ, किचन रोल तो खत्म हो गए थे, मामा से मिल लिए। एंड या हमारे पास कोई भी छोटे बच्चे नहीं है, बट स्टिल हम ये अमूल स्प्रे यू नो ऐसे ही खाते हैं एज अ स्वीट। बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस ये, तो हाँ इट्स फनी बट बहुत यम्मी होता है। तो अभी आ गए हैं हम अपने फेवरेट सेक्शन में। यहाँ से उठाते हैं थोड़े से लेस, और यहाँ पर टर्टल चिप भी नज़र आ रहे हैं, देखते हैं ये भी कैसे हैं और इनको अभी टेस्ट भी करेंगे कुछ देर के बाद। एंड यू आर सर्चिंग फॉर सम कुकीज, मनाया को तो ले लिया ऑफकोर्स। वैसे हम जब से चॉकलेट सेक्शन में जब से भी बहुत सारी चीज़ें लिए खैर डार्क फैंटेसी नहीं मिला, इसलिए कैडबरी के ही ये वाले कुकीज़ ले लिए। तो अभी विंटर भी बहुत करीब में है, इसलिए बहुत अच्छा सा एक सोप ढूंढ रही थी मैं फेस के लिए, बट फिर सोचा कि ये एक फेस वॉश ही ख़रीद लेते हैं, एंड मतलब टेस्ट करने के लिए अगर अच्छा होगा सूट करेगा स्किन को तो फिर नेक्स्ट टाइम से वही यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में एटलीस्ट, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन। एंड यप, हियर वी आर ट्राइंग टर्टल चिप्स जो कि हाँ बहुत ज़्यादा यम्मी थे। एंड ये डेमो के लिए स्टॉल्स थे स्टोरिया के मिल्क शेक्स के, तो वही मैं टेस्ट करी थी। स्ट्रॉबेरी वॉज नाइस बट बनाना वॉजेंट ऑफ माई टेस्ट। या टर्टल चिप्स मैंने शॉर्ट्स में देखे थे एंड आई वांटेड टू ट्राई दिस, तो यहाँ मॉल में मिल गए, तो बहुत क्रंची है। इसमें स्पाइसी फ्लेवर लिखा हुआ है, पहले खाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये स्पाइसी है, बट बहुत सारे जब हम खाते रहते हैं तो हाँ स्पाइसी है। और मम्मी के इतने सारे फ्रेंड्स थे, सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट भी करी और घी भी हमें खाने के लिए, नाइस जेस्चर। एक्चुअली में हमें यहाँ थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि हमने लंच नहीं किया है अभी तक, इसीलिए हम चिप्स खा रहे थे और फिर ये ब्राउनी भी। लेते हैं कुछ दाल, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे टाइप्स की दालें हैं, तो मामा अभी देख रही हैं कौन कौन सी लेनी है, फिर इसको हम वेट करेंगे और वेट के हिसाब से यू नो मनी पे करना होता है, तो हाँ ऐसा चलता है यहाँ पर शुगर एंड एवरीथिंग। या सो लेट्स जस्ट फिनिश इट फास्ट फास्ट, एंड मैं इसके बाद जा रही हूँ फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज। जी अगर पानी पूरी के बाद कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो फ्रेंच फ्राइज़ है, तो इसीलिए अब मॉल में आ ही गए थे तो यहाँ से लेकर मामा को बोलकर फ्रेंच फ्राइज ले लिया। हम लोग एक सोप लेना भूल गए थे आई गेस, नहीं या मिल गया मिल गया। 5 बजे घर से निकले थे, अभी 8 बज रहे हैं, इट इज़ एग्जैक्टली 7:58 राइट नाउ एंड 34 सेकेंड्स। I'm
जस्ट केम बैक होम एंड या तो अभी मैं आईपी के स्टडीज स्टार्ट करने वाली हूँ आज से, क्योंकि ट्यूशन किट से तो आवाज़ यहाँ रही है क्योंकि 13 से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स है, प्री फाइनल ही समझें। तो अभी मैं अगर अपने स्नैक्स खा रही थी तो सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड या हियर इज़ माई फ्रूटी एंड फ्रेंच फ्राइज। सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स से और आंसर्स याद करते करते हम ये रफ बुक में प्रैक्टिस करेंगे। एंड या तो जल्दी जल्दी से एटलीस्ट एक एलएक्यू याद करूँगी। और ये देखिए टाइम। That's it for the vlog. I hope you all like watching it. And if you did, then please do like, share and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my channel. Share my videos with your friends and relatives. And until I upload another vlog, take care and remember all of us in your prayers. And inshallah, next vlog is gonna be much and more interesting. Yeah, till then you have to make some guesses what it would be. So yeah, till I upload another vlog, take care and Allah Hafiz.